दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड की। जैसा कि देख रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड की काफ़ी चर्चा हो रही है। वक्फ बोर्ड बिल स्पेशली अगर बात करें तो बिल के बारे में काफ़ी देखा जा रहा है। तो ये वक्फ बोर्ड है क्या, क्यों इतना बवाल चल रहा है? AIMM के प्रेसिडेंट जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा है कि ये सब बस मुसलमान की जायदाद को जब्त करने के चक्कर में सब करा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार ये वक्फ बोर्ड है क्या। तो दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है एसेट्स, प्रॉपर्टी। जैसे कोई बड़ा मुसलमान अमीर आदमी है, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है चैरिटी में डोनेट करना चाहता है, और उससे चाहे मस्जिद बना ली जाए, ग्रेवयार्ड बना ली जाए, या मदरसा या कोई अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए वो दे सकता है, अपनी ज़मीन डोनेट कर सकता है वक्फ बोर्ड को। और इस हमारे पास एक एक्ट भी है, वक्फ एक्ट 1954 का, और इसी के प्रोविज़न से हमने वक्फ बोर्ड काउंसिल को बनाया 1964 में। और ये बस यही बोलती है कि इसमें जो ग्रेट रिच मुस्लिम पर्सन है उसमें अपनी वो संपत्ति को डोनेट कर सकते हैं एज अ चैरिटी। तो यही है वक्फ बोर्ड के बारे में। और इसमें जैसे चेयरपर्सन होते हैं, नॉमिनी होते हैं, और इसमें 20 मेंबर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जैसे कि मुस्लिम पार्लियामेंट्रिस्ट या मेंबर, कहने का मतलब इसमें मुसलमान का रोल ज़्यादा है। तो वक्फ बोर्ड को यही देख रहे हैं। और इस वक्फ बोर्ड में ये भी कहा जा रहा है कि जिस किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर दे, ये वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, तो उस आदमी को बहुत सारे एविडेंस देने पड़ेंगे, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी, वक्फ बोर्ड के अंदर ले ली जाएगी। और वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, और उसमें सब मुसलमान ही हैं। बड़े बड़े स्कॉलर्स, मुतवल्लीज इसमें आते हैं, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि लगभग ऐसे एक ही वक्फ बोर्ड नहीं है, 30 वक्फ बोर्ड पूरे भारत में फैले हुए हैं, सब राज्य में। अब ये मसला है कि तब इसमें दिक्कत क्या है, क्यों आखिरकार इस वक्फ बोर्ड बिल को लाया जा रहा है? तो जो सोर्सेस हैं हमको ये बताते हैं कि जो ये वक्फ बोर्ड जो है, ये तीसरा पूरे भारत में लार्जेस्ट होल्डर है प्रॉपर्टी का, किसके बाद? आर्म फोर्सेस और रेलवेज के बाद। क्योंकि जो हमारी भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है किसको दी गई है, आर्म फोर्सेस को, और सेकेंड नंबर पे प्लेटफॉर्म पे रेलवेज को, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो लैंड होल्डर है वो ये वक्फ बोर्ड है। और अभी केस भी ये बताया गया था कि तमिलनाडु में एक पूरे विलेज को बताया गया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, जहाँ पर एक टेंपल भी है। तो मामला ऐसे देखा जा रहा है बहुत जगह, ऐसे एक ही जगह नहीं, बहुत सी जगह। तो इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है ताकि इसमें चेंजेस करे जा सकें। और चेंजेस क्या होगा कि इसमें देखा गया कि जो विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है, हम लोग उसको चेंज करके विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। और इसमें ये भी देखा जा रहा है क्यों सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को ही देखा जा रहा है इसमें वक्फ बोर्ड में, क्यों अदर
कम्युनिटी को नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है ये, संविधान हमको फंडामेंटल राइट है, राइट देता है कि हम सभी को इक्वल समान करें, ठीक है, मतलब इक्वालिटी से देखें, मतलब सब बराबर है, चाहे जॉब हो, कुछ भी हो, एजुकेशन में हो या इंडस्ट्रीज में, हमें इक्वालिटी देखनी होगी, भेदभाव नहीं, इसकी बात हो रही है। और तीसरा ये कहा जा रहा है, जो ये वक्फ बोर्ड है, एक किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वो क्लेम कर देता तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर जो पर्सन है जिसके ऊपर ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी मेरी है, अगर वो प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाता है तो उसकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। तो यही कारण बताए जा रहे हैं कि हम लोग इसमें चेंजेस लाएंगे, सेक्शन 40 जो इसका है और भी जो सेक्शन है इसके, इसी में हम लोग चेंज करके इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बात चल रही है और इसमें देखो अब क्या होता है, क्योंकि मामला चल रहा है, मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और इससे काफ़ी टेंशन भी बढ़ेंगी जब ये बिल आएगा, क्योंकि बिल अभी पास हुआ है, उस पर मतलब प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, देखा जा रहा है कि क्या है क्या कैसे नहीं, तो जैसा होगा आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज।